डियर फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को लॉजिक चैप्टर जो कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में 8 मार्क्स का टॉपिक है, आज मैं इस चैप्टर में क्या क्या पार्ट हमें पढ़ना है जिससे हमारा ये 8 मार्क कंफर्म हो जाए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुने, नोट डाउन करें और वीडियो एंड तक देखें। 8 मार्क्स का चैप्टर है जो कि बोर्ड एग्जाम में आइदर 1+1+3+3 मार्क्स और 1+3+4 मार्क्स ले आ सकता है। इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट एरियाज जो है वो है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स। माय डियर स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव आप डेफिनेटली करें, ऑब्जेक्टिव आपके टेक्स्ट बुक में दिया है वो सारे ऑब्जेक्टिव करें, वही ऑब्जेक्टिव्स या उसी टाइप के ऑब्जेक्टिव्स बोर्ड एग्जाम में आएंगे। ऑब्जेक्टिव के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आफ्टर दैट ट्रूथ टेबल, जो कि पास्ट मैंने 10 ईयर्स के पेपर का एनालिसिस किया है, आप देख सकते हैं पास्ट 10 ईयर्स पेपर्स में ट्रूथ टेबल 99% टाइम्स पूछा गया है, जो कि 3 और 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एरिया इज ट्रूथ वैल्यू, जो कि 1 मार्क के लिए ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव, रियली वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आइदर इट विल कम इन द बोर्ड एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव्स में, या अदरवाइज ये इंपॉर्टेंट है 3 मार्क्स के क्वेश्चन में। क्वांटिफायर्स करना ना भूलें, निगेशन सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और लास्ट में इस चैप्टर को कॉन्फिडेंस बनाए रखने के लिए पास्ट ईयर के पेपर्स करना ना भूलें। ऑल दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। ये सारे कॉन्सेप्ट पे मैंने 16 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स ऑलरेडी सॉल्व करके क्वेश्चन पेपर मेरे प्लेलिस्ट में अपलोड किया है, आप वहाँ पे जाके इस चैप्टर के सारे 2-3 पार्ट्स वीडियो बनाए हैं वो आप देख लीजिए, आपका ये चैप्टर कॉन्फिडेंटली अच्छा हो जाएगा। होप दैट आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर ये अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन।